पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी तो घर के अंदर कुत्ता भौंकता रहा और पति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को फावड़े से काटता रहा। दोस्तों, यह घटना सुनने के बाद पुलिस भी कांपने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है गाजियाबाद के सिहानी से। गाजियाबाद के सिहानी में रेखा पाल नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 35 साल और आज से 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम होता है संजय पाल जिसकी उम्र 38 साल होती है। संजय पाल रिक्शा चालक था, यानी कि रिक्शा वगैरह चला करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। संजय पाल और रेखा पाल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था आंसू और जिसकी उम्र थी 15 साल। पति पत्नी और बेटी एक साथ अपने घर में रहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और गुजारा भी उनका अच्छे से हो रहा था क्योंकि वह जो पति था रिक्शा चला करके घर का गुजर बसर करता था, कोई गंदी आदतें नहीं थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो वह जो पति होता है जिसका नाम संजय पाल होता है उसको अपनी पत्नी रेखा पाल के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी घर को छोड़कर कहीं बाहर जाया करती है। फिर उसको पता लग जाता है कि उसकी पत्नी रेखा पाल नोएडा जाया करती है और बिना बताए ही बहुत देर देर तक वहाँ पर रहा करती है और फिर घर आया करती है जब उसका पति रिक्शा चलाने के लिए निकल जाया करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहाँ घूमने के लिए जाती हो? तो उसकी पत्नी कहती है मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जाती, मैं अपने घर पर ही रहती हूँ। उसके बाद दोस्तों उनके बीच में झगड़ा होता है लेकिन झगड़ा शांत हो जाता है। अभी भी उस पति को ये लग रहा था कि यह शायद कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए बाहर जाती है। अब वह उसके फ़ोटो को फ़ोन में लेकर के नोएडा पहुंच जाता है और वहां पर कुछ गार्ड सिक्योरिटी का काम किया करते थे तो उनसे पूछता है क्या आपने इस फोटो को में जो औरत है इसको देखा है कभी? तो गार्ड कह उठता है कि हाँ, इसको तो मैं रोज़ देखता हूँ, यहाँ पर आती है, बिल्डिंग्स के अंदर जाती है, ऊपर जाती है और यहीं पर घूमती रहती है ज़्यादातर। अब दोस्तों क्या होता है, उसके मन में जो शक था वह पूरा यकीन में बदल जाता है और वह वापस घर जाता है। घर जा करके अपनी पत्नी से कहता है कि तुम नोएडा क्यों जाती हो रोज़ की रोज़? उसकी पत्नी कहती है तुम्हें क्या लेना है, मैं बस ऐसे घूमने के लिए जाती हूँ और मैं रील बनाती हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी उसको इंस्टाग्राम पर अपनी रील दिखाती है तो उस रील में अच्छा बैकग्राउंड था उसके पीछे और वह वहाँ पर ठुमके लगा रही थी रील के अंदर। अब यह देखकर उसका माथा और ज़्यादा चढ़ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, यह नंगा नाच क्यों करती हो? तो उसकी पत्नी कहती है कि आजकल सभी लोग इस काम को करते हैं, इससे पैसे मिलते हैं, धीरे धीरे मेरा भी फेमस हो जाएगा और फिर हमें भी पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों वह गुस्से से लाल हो जाता है और उसको मारने पीटने लगता है। अब उसकी 15 साल की जो बेटी होती है आंसू, वह भी अपनी मम्मी की हिमायत लेती है और पापा से कहती है पापा आजकल सब लोग ऐसे करते हैं, ऐसे रील बनाते हैं, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, मम्मी ने कर लिया तो क्या गलती हो गई? लेकिन दोस्तों वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पत्नी को मार रहा था और फिर अपनी बेटी को भी धक्का दे देता है। उसके बाद मार पिटाई जब हो जाती है तो मामला शांत हो जाता है लेकिन उसके मन में से वो ख्याल जा नहीं रहे थे कि उसकी पत्नी इस तरह से ठुमके लगाकर नाचती है। उसके बाद दोस्तों रात हो जाती है, रात को वो अपनी सोती हुई पत्नी के सराहने पर बैठता है, उससे फिर से कहने लगता है तुम आज के बाद वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन उसकी पत्नी फिर से उससे कहती है कि मैं वहाँ इसलिए जाती हूँ, हमारे यहाँ तो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड अच्छे से नहीं आता है और नोएडा के अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं और अच्छी ग्रीनरी है, हरा भरा माहौल है और वहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है वो अच्छा आ जाता है। लेकिन दोस्तों पति को तो वही एक धुन सवार थी कि तू वहाँ पर जाएगी नहीं, अगर आज के बाद तू वहाँ पर गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पूरे दिन परेशान रही थी और यह कोई बात नहीं थी जिसके ऊपर उसका पति उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी उसकी पत्नी एक झापड़ उसके मुँह पर जड़ देती है। दोस्तों जैसे ही झापड़ उसकी पत्नी का उसके मुंह पर लगता है वह बौखला जाता है और वहीं पर पास में पड़ा हुआ फावड़ा उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर फावड़े से वार करने लगता है। यह बात रात को 3 बजे की थी। दोस्तों अपनी पत्नी को काटने लगता है, उसी को सुनकर के उसकी बेटी भी वहां आ जाती है तो अपनी बेटी के ऊपर भी फावड़े से वार कर देता है, उसको भी काटने लगता है और जो उनके घर में कुत्ता था वह जोर जोर से भौंक रहा था लेकिन किसी भी पड़ोसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों ने समझा कुत्ते भौंकते रहते हैं रात के समय में और वह अपनी बेटी और पत्नी को काट करके वहाँ से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद वह अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को जान से मार दिया है। दोस्तों सुबह होती है, पुलिस आती है और फिर डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और पूछताछ करने में जुट जाती है कि आखिर यह कौन थे और क्या हुआ था इनके बीच में, लेकिन कोई भी गाँव वाला कुछ भी नहीं बता पाता है। तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक लड़का आता है और वह पुलिस के सामने कहता है कि इस घर का जो मालिक था जिसका नाम था संजय पाल, उसने ही अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को जान से मारा है।
और दोस्तों उसके बाद पुलिस संजय पाल रिक्शा वाले की लोकेशन निकालती है और उसको तुरंत ही पकड़ लेती है और उससे कहती है तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया। वह बताता है कि मेरी पत्नी फ़ोन के ऊपर इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाया करती थी, मुझे पसंद नहीं था, मैंने मना किया और इसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया, मैंने इसको जान से मार दिया। पुलिस दोस्तों उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और फिर पुलिस ये भी पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। तो वह बताता है कि मेरी बेटी हमेशा अपनी माँ की ओर लिया करती थी, उसी के पक्ष में रहा करती थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको भी जान से मार दिया। और दोस्तों वह जेल में है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब उसकी जिंदगी पूरी जेल में कटेगी। एक छोटी सी नासमझी के कारण, एक छोटे से शक के कारण उसने अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को, यानी कि अपने बसे बसाए परिवार को तिनके की भांति बिखेर दिया। दोस्तों मैं आप यह कहना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर आजकल 80% और 90% लोग इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको जान से मार दिया जाए। हो सकता है किसी को ये बात अच्छी ना लगती हो, तो इसका दूसरा रास्ता भी निकल सकता है। इसका मतलब यही नहीं है कि किसी को आप जान से मार दो। दोस्तों कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि उनकी बहन बेटी इंस्टाग्राम पर कमर मटकाए और अपनी एक्टिंग दिखाए। कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है और कुछ लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये समाज है, यहाँ पर भांति भांति के लोग रहते हैं और एक बेवकूफ़ी के कारण से अपने हंसते खेलते घर परिवार को उस व्यक्ति ने उजाड़ कर डाल दिया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जय हिंद, जय भारत।